छत्रपति शिवाजी महाराज के जय। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी महादेव। ये ट्रक का जो है टायर ब्लास्ट, ट्रक के ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ा और उसके ऊपर। सबसे बड़ी बात यहाँ पे पहुँचने में ऐसा लगता है कि तीन की यारी सब पे भारी। सो गाइस गुड मॉर्निंग। प्लान एक्चुअली कैसा था कि पिछले संडे का प्लान था, लेकिन ये दोनों ने कैंसिल किया, नहीं इसने कैंसिल किया था संडे का प्लान, फिर वेनसडे का प्लान हुआ था तो वेनसडे का इसने कैंसिल किया था। चलो इसका तो कुछ जेन्युइन रीज़न था, ऑफिस का था, इसका समझ में आता है, इसका तो फालतू रीज़न था, बिना रीज़न का कैंसिल हुआ था प्लान। तो एक्चुअली ऐसा हुआ कि नहीं हम मावली फोर्ट कैंसिल ही कर देंगे, जाना ही नहीं है अभी, लेकिन फिर भाई लोग ने बोला चलो ये संडे का प्लान करते हैं। सो हेलो एवरीवन, बड़ों को नमस्ते, छोटों को बैरन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम चल रहे हैं माहौली फोर्ट, तो हम जा रहे हैं ये दोनों मोनों के साथ में और ये लोग हैं भाई। तो अभी देखते हैं वहाँ पर कैसा है, क्या नज़ारा है। और एक्चुअली जाने का रास्ता पता नहीं है, बट नासिक हाईवे तक का रास्ता मुझे पता है, गाँव में से आना है। ये लोग कुछ फड़गे वड़गे से जा रहे थे तो मैं लेके चल रहा हूँ आगे का गूगल मैप के भरोसे। तो चलते हैं अभी। किधर हो? आ रहा है, आ रहा है। पे रुके हैं और क्या कर रहे हैं कि उसका सचिन का वेट कर रहे हैं और इसको ले जाएंगे हॉस्पिटल वगैरह, कहीं ट्राई कर रहे हैं हॉस्पिटल वगैरह भी जाएंगे, उसके बाद ट्रैकिंग वगैरह भी। सचिन रुक, तो सचिन आ गया है ना, बाइक खाली है, चलना है हॉस्पिटल। आ रहे कोई तो भाई सीन कैसा है कि हम लोग निकले यहाँ से और कैसा हुआ कि वो बाइक वाला खड़ा था एक साइड में और ट्रक वाला आ रहा था, तो वो उसका आगे का टायर फट जाता है और वो बैलेंस बनाने के चक्कर में बाइक वाले पे चढ़ा देता है। तो कैसा है कि बाइक वाले का नसीब इतना अच्छा है कि उसको पैर वगैरह में चोट लगी है, काफ़ी चोट लगी है, लेकिन एकदम जिंदा बच गया है वो, मतलब कुछ नहीं हुआ उसको। और रॉयल इनफील्ड थी, बाइक की पूरी वाट लग गई, ट्रक के साथ एक्सीडेंट होगा तो कैसा होगा, बट वो बच गया, वो इम्पॉर्टेंट है। और हम लोग ने उसको बोला कि भाई चल देखो हॉस्पिटल ले चलते हैं या फिर एटलीस्ट क्लिनिक में चले, मेडिकल से फर्स्ट एड किट ले लेते हैं या फिर डेटॉल वगैरह लेके उसको थोड़ा वॉश कर देते हैं, लेके आता हूँ। बट वो बोला 5 मिनट में मेरे घर वाले आ रहे हैं। हम लोग खड़े थे वहाँ पर, काफ़ी देर से खड़े थे, फिर हम लोग एटलीस्ट फिर पूछे उसको तो वो बोला कि नहीं नहीं अब हम चले जाएंगे, घर वाले आ ही रहे हैं, ऑन द वे हैं, आप जाओ। और काफ़ी अच्छा लगा आपने पूछा यार। अगर आप हाईवे पर आ रहे हो, जा रहे हो ना, तो बहुत ही सेफ ड्राइव करो, बहुत ही अच्छा ड्राइव करो और अच्छे से चलो ना, रफ ड्राइव मत करो क्योंकि एक्सीडेंट होता है, घर वाले वेट करते रहते हैं, ये चीज़ों का ध्यान रखो। और हम ऑलमोस्ट पहुंच भी गए हैं, ये है मानस मंदिर का गेट, यहाँ से हमको अंदर जाना है, वहाँ पर दीपक पहले ही पहुँच गया है। सो गाइस हम पहुंच गए यहाँ पर और ये पीछे आप देख रहे हैं, ये पूरा यहाँ पर हमको जाना है, ट्रैकिंग करने आया है। और यार धूप निकल गई है,
हमने सोचा था जल्दी आएंगे, बट एक तो सचिन ने लेट कर दिया, उसके बाद वो ट्रक वाला सीन हो गया, तो वहाँ पर हम वेट करने लगे और वेट करने के बाद में थोड़ा उसके लिए रुक गए, तो काफ़ी लेट हो गया, बट इट्स ओके क्योंकि धूप भी बहुत हो गया है। तो हम गाड़ी वगैरह यहाँ पे पार्क करते हैं, ये चीज़ है, अभी चलते देखते हैं कितना ऊपर और कितना मज़ा आने वाला है। ए क्या हो गया, चाय पीने के लिए बुला रहे, चाय पीना पहले। तो गाइस यहाँ पर चाय पीने जा रहे हैं, और कैसा है ना कि एक बार दारू वाला जो नशा होता है वो नशेड़ियों से आप बच सकते हो, लेकिन जो चाय वाले जो नशेड़ी होते हैं ना उनसे नहीं बच सकते हो। तो गाइस यहाँ पे ना ये रास्ता बंद था, पता नहीं यार ये कुछ तूफान वगैरह आया था, पेड़ लगाया है, पेड़ गिर गया है या फिर उसके वजह से रास्ता बंद है, पता नहीं। और ये लोग उधर से आ रहे हैं, किधर से क्रॉस करके, मैं बोला ऐसा सीधा क्रॉस कर लो चलो, बट वो लोग उधर से आ रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट कर दिए हैं, अभी देखते हैं कितने टाइम में हम पहुँचते हैं। दीपक टाइम कितना हो रहा है, टाइम देख जरा। तो यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट हो गया है, 7:32 को हम ट्रैकिंग स्टार्ट किए हैं, अभी यहाँ से देखते हैं कितने टाइम में पहुँचते हैं। दीपक कितना टाइम लगेगा, दो घंटा लगेगा, मैक्सिमम दो घंटा लगेगा, दो घंटा हम लोग कोशिश करेंगे डेढ़ घंटे में फटाफट कर दे, क्योंकि 1.5 लाख का गाड़ी लगा हुआ है। ओके ओके। हाँ इसमें से जाना है, अभी इतना ज्यादा एडवेंचर मत कर साले, तेरा साइज देख तो इसे मैं पहले ट्राई करूंगा ना। हाँ ट्राई कर मेरी माँ को बोलना। क्या बोलना तेरी माँ को, कि बहुत जाबाज था आपका बच्चा। जा घुस जा इसमें, घुस जा पहले। अबे वहाँ से आवाज आ रही है, आगे है, रुक जा पहले डायमीटर देखने, रेडियस और डायमीटर सब सही है, चल। नहीं वे नहीं रे, अबे मुंडी डाल के निकल के ट्राई तो कर एक बार। अबे आगे से आवाज आ रही है, चल आगे काटे का झाड़ ले। अबे रास्ता है भाई। तो गाइस अभी यहाँ से हमको रास्ता मिला है, ये आई थिंक कुछ नदी वगैरह है बट सूख गया है, तो यहाँ से हम लोग ने मेहनत किया और ये रास्ता मिल गया। अभी हम ऊपर जा रहे हैं और देखते हैं कितना और एडवेंचरस है ये और कितना मज़ा आने वाला है यहाँ पे। डंडा ले लेते हैं, शेर का नहीं है, प्रॉपर है नहीं, ऊपर कुछ तो रहेगा ना, तभी तो ले रहे सब इसको ना, हर जगह ना शेर ही दिख जाता है। हाँ तो यार थोड़ा एडवेंचरस है और मज़ा तो आ ही रहा है, लेकिन थकान बहुत है क्योंकि हमारे पास बैग बहुत है, सामान विमान है और ये ले चल रहे बोट वगैरह, लेकिन अभी बजाने का कोई इंतज़ाम नहीं है अभी तक। काफ़ी स्टीप है, मतलब थोड़ा ना छोटे छोटे स्टेप होने चाहिए। हाँ लेकिन काफ़ी बड़े बड़े हैं ना, बिल्डिंग के 4 स्टेप होते हैं ना अपने सीढ़ी के। हाँ हाँ उसके बराबर है भाई, ट्रैकिंग का इतना मज़ा है ना कि क्या कि क्या बताओ, लेकिन थकान भी उतनी लग। सो गाइस ऑलमोस्ट 70-30% ट्रैक हो चुका है, थोड़ा बाकी है, तकरीबन आधा पौना घंटा बाकी है,
ऐसा कि हम लेट हो गए थे तो धूप बहुत है, तो धूप की वजह से और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, स्वेटिंग हो रहा है, टायर्ड ज़्यादा फील हो रहा है। तो अगर आप आ रहे हो तो ट्राई करो अर्ली मॉर्निंग आने का, और आपके लिए थोड़ा इजी गिरेगा। वैसे मैं थोड़ी देर के लिए रुके यार, थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं क्योंकि काफ़ी टायर्ड हो गए, धूप है, आपको बताया मैंने, धूप बहुत है। वहाँ पे सचिन रुका हुआ है, बैठा है यहाँ पे, और दीपक है। हम लोग इधर 5-10 मिनट रुकेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे ऊपर के लिए। ये ऊपर का है, होली फोर्ट है, दिखने में है छोटा, एक्चुअल में भी छोटा ही है। मलंगढ़ गए थे उससे तो कम ही है, लेकिन मलंगढ़ से ज़्यादा थका रहा है हम लोगों को। इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये बहुत स्टीप है, इसका जो रास्ता है, सारे रास्ते ऐसे ही है। अभी यहाँ तक हम लोग ने 80% कवर कर लिया है, और अभी हमारी कुरकुरे पार्टी चल रही है। हाँ, और आके फिर थोड़े टाइम में हम निकलेंगे। वैसे मौसम भी काफ़ी सुहाना है और मूड आशिकाना है। और अपने को जाना कहाँ है? वो वहाँ ऊपर वो जो झंडा लगा है ना, वो झंडा दिख रहा है उधर? हाँ उधर नहीं, ऊपर ऊपर। हाँ भाई, चकने तो अपने को उधर जाना है, और इधर बैठे हैं मस्त। अभी ब्राह्मण ने आराम किया, अब चढ़ने में थोड़ा फट गया था। हस्ते रे काय ना करो, आओ दे इस तरह से करा। बहुत संभाल के चढ़ना है यहाँ पे। ये देखिए ना, बहुत बहुत ही ज़्यादा केयरफुली, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर स्लिप हुआ तो नो आइडिया के कितना नीचे जाके गिरोगे। कुछ इन्फॉर्मेशन तो दीपक, अभी जैसे कि देख सकते हैं अपन, ये नज़ारा देखेंगे अपन, सोचेंगे चढ़ना कैसा है। हाँ, तो चढ़ने का सिर्फ यही है कि अपने को ये जो मार्क है, एरो मार्क, हाँ ये फॉलो करना है। Okay. अगर आप कहीं ट्रैकिंग को जा रहे हो तो ये मार्किंग का ध्यान देना सब जगह, तो क्योंकि सब जगह पे ये मार्किंग का रहता है। ये ये ध्यान देते हुए फिर आप ऊपर चढ़ो। चलो ये देख, तो ऑलमोस्ट लगभग 85% हम लोग ने कवर कर लिया है। और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी संभल के आना पड़ता है। हम ये रास्ते की बात कर रहे हैं, आपको दिखता रहेगा। आप लोग सब रुक रुक के आइए, आराम से आइए। चले चलो आराम से आराम से। देख रहे हो आप, चल भाई आगे चल, यहाँ पर रुका ही है, अभी ये थोड़ा आगे जाएगा तो मैं आऊँ। भाई पूरा रास्ता बाकी है, क्योंकि ये जो लास्ट का रास्ता है ना, ये बहुत ही खतरनाक है और बहुत मज़ेदार भी है यार। क्या बोलता दीपक? बहुत मज़ेदार है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे पहुँचने के बाद ऐसा लगता है कि तीन की यारी सब पे भारी। तो मैं चल रहा हूँ, तो रास्ता आपने देखा ये, तो
देख रहे हो आप। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है, तो दीपक से सपोर्ट ले रहा हूँ मैं भाई, क्योंकि कैमरा भी ऑपरेट करना रहता है, थोड़ा बहुत दिखाना रहता है आप लोग के लिए, तो कुछ भी। एरो को फॉलो कर सचिन, संभाल के जा। चला जाऊँ? रुक जा भाई को जाने दे, आराम से आराम से भाई, आराम से आराम से। अच्छा, जैसे कि आपने देखा पैर भी फिसल सकता है। हाँ। मैं लास्ट आदमी को देखा होगा, आराम से जल्दबाजी में, बहुत केयरफुली, बहुत ही ज़्यादा। सचिन बहुत ज़्यादा ये एक्साइटेड हो रहा है, एक्साइटेड हो रहा है कि फटाफट चढ़े, लेकिन ऐसा मत करो, ये गलत है। हाँ, सांस भर लो फिर चढ़ो। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, ये सारे किला उन्होंने ही बनाया, रक्षा किया उसका भाई। एक बार हो जाए, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी। कैसा फील हो रहा है? काफ़ी सही लग रहा है, सही लग रहा है। और लगभग हम लोग 2600 कुछ आ गए ऊपर। हर माउंटेन क्लाइंबिंग में सबसे बड़ा चैलेंज होता है उम्मीद का फेज। हाँ, जिसमें इंसान सांस तोड़ देता है, डिसीजन लेता है कि अपने पेशेंस को तोड़ के रिटर्न हो जाए या हम कंटिन्यू करें, या फिर पेशेंस रख के चढ़े। और सच बताऊँ तो पेशेंस रखने में ही फ़ायदा है, क्योंकि अभी जो हम लोग फील कर रहे हैं, जो एग्जैक्टली आप लोग आओगे जब यहाँ पे, हाँ, चीज़ आप फील सेम कर पाओगे। ऑब्वियसली हम टायर्ड हैं यार, लेकिन जो मज़ा आ रहा है ना, जो सुकून है, वो बता नहीं सकते हम। आराम से दीपक, अरे एक दादा शोधबीत काय नाही, चढ़ जाएंगे पहले भाई, बहुत स्लिपरी है, आराम से। भाई साहब बहुत संभाल के आना है यहाँ पे, तो अगर आप इधर आ रहे हो तो बहुत ही सेफली आओ, क्योंकि ये अभी जो मैं दिखाने जा रहा हूँ ना, ये बहुत ही खतरनाक है। कितना स्ट्रेट है ये देख रहे हैं, आजा। तो फाइनली हम लोग 3500 फीट ऊपर आ गए हैं, ऑलमोस्ट हमारा क्लाइंबिंग जो एरिया है ख़त्म हो चुका है, बस हम लोग एक लास्ट पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पे लोग आके खाना भी बनाते हैं, काफ़ी सही जगह है, काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है। ओ गोनी वाले भाई साहब, ओ गोनी वाले भाई साहब, कहाँ चले छम्मक छल्लो भाई। भाई दीपक, दीपक यार एक बात बता, मैं तेरे साथ अभी 3 घंटे से हूँ, तेरे बॉडी से इतना स्मेल क्यों आ रहा है? नाक नहीं आया होगा, नाक ही नहीं आया, साले कैसे कैसे लोग रहते हैं। तू भी तो नहीं नहाया? नहीं मैं तो नहा के आया हूँ। तो भाई अगर आपके पास यहाँ पे पानी अगर वगैरह ख़त्म हो गया हो, तो यहाँ जैसे कि हमें कुछ लोगों ने बताया, वो लोगों ने बताया यहाँ मंदिर है एक, जहाँ पे पानी वगैरह सब मिलता है, वहाँ आप जाके रिफ्रेश होते हो। तो भाई लोग यहाँ हम लोग जहाँ जा रहे हैं ना, वो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, तो दिखाते हैं हम अभी आपको। और यहाँ हम अभी आपको किसी से मिलाना चाहते हैं, आप उनसे मिलके काफ़ी खुश होंगे, काफ़ी प्यारे हैं वो। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।
शिवाजी, जय शिवाजी, महादेव, महादेव, अरे जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी। तो ये हूँ प्यारे से जिनसे हम आपको मिलाने वाले थे। ये टोटल 3,300 फीट ऊपर आपको ये मिलेंगे। यहाँ पे मंदिर है जहाँ आप आके रिफ्रेश हो सकते हैं, चिल हो सकते हैं। ये हम है और ये हमारे महाराज, और यहाँ इनके दर्शन हो रहे हैं। आपको दिखता रहेगा कि पानी बहुत साफ नहीं है, बट बॉटल में आने के बाद समझेगा यहाँ पे लिखा है। दिखा दें अंकल भी भरे साफ हो जाए तो। ये पानी जा ले ले भाई, ये पानी सब लोग यही पीते, यहाँ के लोग ये पानी पीते हैं। और ये साफ है, स्वच्छ है और पानी में कुछ दिक्कत नहीं है। फटाफट धोए यार। सच्ची बताओ, इतना गर्मी में आने के बाद और पानी इतना ठंडा, इट्स लाइक निर्वाणा। साले एक दिन मेरे को भूखा और प्यासे ही मार देगा। ऐसे दोस्तों ना कम बखत आना नहीं भाई। सो गाइस, हम यहाँ पहुँच गए हैं। एक्चुअली पहुँच तो काफ़ी पहले ही गए थे, फिर हम थोड़ा दर्शन वगैरह के, छत्रपति शिवाजी महाराज का दर्शन किया, यहाँ पर महादेव का मंदिर है, दर्शन किए, फ्रेश हुए। कितने बजे तक पहुँच गए थे भाई ऑलमोस्ट? हाँ दीपक, 11:30, 11:30, 7:30 से 11:30, 4 घंटा लगा था। तो 4 घंटा लगा हमको, हम रुक रुक के आए, लेकिन बहुत ही एडवेंचरस था और बहुत मज़ा आया। और यहाँ पर भाई ब्रेड वगैरह खोला है, तो अभी जैम वगैरह सब लग रहा है, सब अभी थोड़ा नाश्ते विश्ते हो रहे हैं, तो उसके बाद अभी फिर आपको दिखाते हैं हम कहाँ जाएंगे और कैसा है यहाँ का, क्या सीनेरियो है, क्या है। मोटा है तो दिखेगा ही ना। हाँ भाई साहब, धूप में थक भी गए, थोड़ा बहुत नाश्ता विश्ता हो गया और इधर हम लोग लेटे हुए हैं। दीपक कैसा लग रहा है भाई? इधर है कैमरा, इधर है। अच्छा, हाँ। मन करता है कि शाम तक सो जाऊँ, मस्त 4 बजे निकलूँ। हाँ। क्या बोलता सचिन? हाँ सही है, वो ऐसा देवदास भी बना है। तो इग्नोर करो इसको, फर्स्ट क्लास हुए हैं और ये पेड़ के नीचे। और अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो एक मैट लेके आओ या अपना। सो गाइस, ये है माहुलेश्वर मंदिर, शिवदुर्ग प्रतिष्ठान। और यहाँ से आगे जाना है हनुमान दरवाजा कड़े। सो गाइस, हमको ये रास्ते से जाना पड़ता है और एक्चुअली ये रास्ता रास्ता है ही नहीं, मतलब बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बोल सकते हैं। यहाँ से हम आ रहे गाइस और यार बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये, और बहुत मज़ा आया। Thank you.
यहाँ से निकल रहे हैं, निकलने का प्लान कर रहे हैं ऑलमोस्ट। भाई कितना बज रहा है भाई, अभी कितना बज रहा है भाई? सवा चार हो, सवा चार को हम यहाँ से निकल रहे हैं। और ये सबसे लास्ट पॉइंट था हमारा, बहुत मजा किया और बहुत अच्छा लगा यार। अलग ही है ना, अलग ही यहाँ का वो है। मन तो करता है एक महीना यहीं रहे। सही जगह है, जगह तो काफ़ी बढ़िया है यार, लेकिन एक महीना रहने के लिए समझ लो सामान वीमान लेके आना। सचिन भी चला के करेगा क्या, किया क्या उसने भाई? तो भाई वहाँ से हम उतरे और यहाँ पे खड़े, हम कहाँ तक गए थे कुछ आइडिया? हम थे वहाँ पे एक मिनट, एकदम वो कॉर्नर पर हम बैठे थे वहाँ पे कॉर्नर पे एकदम। ओके, फिर वहाँ से हम ऐसा ऐसा करके वो पहाड़ क्रॉस किया, फिर वहाँ से हम इसके ऊपर आए, यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, और फिर ये आप देख रहे हो यहाँ से। अच्छा देखा जाए तो हमने तीन या चार पहाड़ गए हम लोग, जाते टाइम यहाँ से गए थे, ये जो आपको ये प्लेटो दिख रहा है यहाँ पे कवर किया, फिर ये वाला माउंटेन कवर किया, फिर वो माउंटेन और फिर वो, ये सब ऐसा कवर किया। अब यहाँ से उतर रहे हैं और यहाँ से ऐसा सीधा ऐसा जाएंगे और वहाँ से स्लोप है, फिर होकर करके वहाँ का जो व्यू है ना, मतलब जाके देखने हम बता नहीं सकते। तो भाई ये देख पा रहे होगे आप लोग, सचिन दीपक, और यहाँ पर स्टेप्स ही नहीं है यार जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो ऑलमोस्ट यार 30-40 फीट तो रहेगा ही ये, और ये रास्ता देख रहे हैं कैसे लोग उतर रहे हैं, देख रहे हैं सीधा 90 डिग्री पर। अब ये देख पा रहे होंगे मतलब 6-6 फीट का जो पत्थर रखा हुआ है उसमें कोई स्टेप्स नहीं है, ये 6-6 फीट के पत्थर पर से हमें उतरना है और ऐसे ही हम चल। तो अगर आप आ रहे हो तो आइए, नो प्रॉब्लम, बट ये जो हमारा किला है, हमारा गढ़ है, हमारा माउंटेन है, इस चीज़ का एकदम साफ सफाई रखिए आप भाई। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, मुझे वीडियो सबको दिखाइए।